हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेंडी ट्रेंडी। तो दोस्तों, आजकल ये आप केसेस जरूर सुन रहे होंगे कि बहुत सारे मोबाइल डिवाइसेस में जो है मॉलवेयर अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, रैंसमवेयर अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, इन ब्लूटूथ के थ्रू आपके फ़ोन को हैक किया जा रहा है, उन पर अटैक्स किए जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो आपके डेटा के लिए जो आपके फ़ोन में स्टोर होती है उनके लिए अच्छा नहीं है। मतलब कि जो भी आपके प्राइवेट डेटा वगैरह आपके मोबाइल में सेफ है या फिर आपने उसे सेव करके रखा है या फीड करके रखा है, वो सब एक तरीके से यहाँ पे खतरे में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या पता है कि आप इन सभी चीज़ों की सिक्योरिटी को और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। आप कोई भी नया स्मार्टफोन खरीदते हैं या फिर पुराना स्मार्टफोन, उसकी जो सिक्योरिटी है आप बढ़ा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर उसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसी सब को ध्यान रखते हुए आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को, एंड्रॉयड फ़ोन को किस तरह से और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं और उसमें जो है आपके लिए गूगल क्या क्या एप्लीकेशन लेके आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं जो भी आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूँ या फिर जो भी सिक्योरिटी सर्विस आपको बताने वाला हूँ, वो सभी जो है गूगल के ही सर्विसेज से प्रोडक्ट्स होंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। सब्सक्राइब कीजिए सैंडी ट्रेंडी को और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे सबसे फर्स्ट सिक्योरिटी लेवल होता है कि जब भी आप अपने फ़ोन को बूट करते हैं या फिर जब भी अनलॉक करते हैं, अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑन करते हैं, तो वहाँ पे आप चाहते हैं कि कोई भी अगर आप किसी को फ़ोन देते हैं तो वहाँ पे वो डायरेक्टली एक्सेस कुछ भी ना कर पाए। तो आप जो है अपने स्क्रीन में कोई भी पैटर्न लॉक या फिर कोई न्यूमेरिक लॉक या फिर आपका कोई फिंगरप्रिंट सेंसर का लॉक, ये सभी जो है आप यहाँ पे आजकल के डिवाइसेस में लगा कर रखते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और इसे जो है आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर आप नहीं लगाते हैं अभी तक या फिर नहीं लगाएं तो आप लगा लीजिए, ताकि आपका जो भी डेटा है फ़ोन में, चाहे वो आपका आपके चाहे कॉन्टैक्ट्स हों या फिर आपका कोई प्राइवेट एप्लीकेशन हो जैसे व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह, ये सभी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी हद तक जो है सिक्योर रहेंगी। तो इस तरीके से आपको पहला जो लेवल होता है सिक्योरिटी का, वो आपको हमेशा लगा के रखना चाहिए अपने डिवाइस में। जहाँ पे भी रहें आपको अपने डिवाइस पे जो है हमेशा एक सिक्योरिटी लॉक लगा कर रखना चाहिए, ताकि कोई दूसरा अनजान व्यक्ति जो है आपके डिवाइसेस को एक्सेस ना कर पाए अंटिल एंड अनलेस आपके परमिशन के बगैर। तो दोस्तों, आपके एंड्रॉयड डिवाइस के स्क्रीन लॉक के लिए कई तरीके के सिक्योरिटी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें से आपका होगा एक फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड ऑप्शन माना जाता है आपके स्क्रीन लॉक के लिए। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका पैटर्न लॉक। तो यहाँ पे आपके पैटर्न लॉक जो वो काफ़ी अच्छा होता है और वहाँ पे आपके कई सारे कॉम्बिनेशन जो है आप जो भी पैटर्न चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। वहाँ पे करीब 9 factorial टाइप्स होते हैं। और उसके अलावा आपका आता है थर्ड जो होता है आपका न्यूमेरिक पिन की। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन फिर भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम 6 pin keys अगर आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहता है आपका मोबाइल। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल को सिक्योर बना सकते हैं फर्स्ट लेवल तक। और अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अगले लेवल की, जो कि होता है आपके फ़ोन का इंक्रिप्शन लेवल। तो अगर आपका फ़ोन अभी तक इंक्रिप्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फ़ोन को जरूर से ज़रूर इंक्रिप्ट कर लें। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जब भी आपका फ़ोन जो है अगर बाहर जाते हैं या फिर गलती से अगर आपका फ़ोन कहीं चोरी हो जाता है और दूसरा कोई अगर उसे एक्सेस करना चाहता है, तो आपको पता होगा कि अगर आपने अपने डिवाइस में स्क्रीन पैटर्न लॉक लगा कर रखा है या फिर फिंगरप्रिंट को ऐड कर रखा है, तो उसके बिना वो लॉक नहीं खोल पाएगा। तो वहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पे लोग जनरली रिबूट कर देते हैं आपका सिस्टम को और उसके बाद जो है नया एक्सेस जो है वो पाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फ़ोन को इनक्रिप्ट कर लें, ताकि उस फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में, मतलब जो SD कार्ड में नहीं, सिर्फ इंटरनल स्टोरेज में जो भी डेटा होता है वो हर तरीके से इनक्रिप्ट हो जाता है। और जब तक आप अपने फ़ोन को रिबूट करते हैं, दूसरा कोई आपके फ़ोन को रिबूट करता है, और जब तक वो इनक्रिप्शन कोड जो कि आपका पैटर्न में होगा, फिर न्यूमेरिक कोड होगा, तो आप जब तक उसे इंसर्ट नहीं करते हैं या फिर आप उसे जब तक फीड नहीं करेंगे, तब तक आपका फ़ोन जो है वहाँ पर ना तो डिक्रिप्ट होगा और ना ही ऑन होगा। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो 100% सिक्योर रहेगा। लेकिन वहाँ पर ड्रॉबैक ये दोस्तों कि अगर आपने अपने मोबाइल फोन में रखा है कोई भी SD कार्ड, तो उसका डेटा जो है वो उतना सिक्योर नहीं रहेगा अंटिल अनलेस आप जो है उस SD कार्ड को एज अ इंटरनल स्टोरेज यूज करते हैं अपने मोबाइल के अंदर में। क्योंकि SD कार्ड जो है वो जनरली यूज होता है एज अ एक्सटर्नल मेमोरी, और उस SD कार्ड का जो फॉर्मेट होता है वो ज्यादातर FAT सिस्टम का ही फॉर्मेट होता है। तो वहां पे जो आपका फाइल है वो दूसरे डिवाइसेस में लगाकर एक्सेस किया जा सकता है। तो यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड यूज करना चाहते हैं अपने डिवाइस में, तो आप उसे फॉर्मेट कर लीजिए अपने इंटरनल मेमोरी के तहत। तो इससे कहता है कि आपका जो SD कार्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रिप्ट हो जाता है जब आप अपने मोबाइल को इंक्रिप्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अपने मोबाइल को इनक्रिप्ट करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे मोबाइल की सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आप जाइए यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शंस के अंदर। और अगर आपके पास में है शॉमी मी A1 या फिर कहा जाए तो कोई भी एंड्रॉयड ओरियो अपडेटेड डिवाइस, तो वहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर में जाना है सिक्योरिटी एंड लोकेशन के अंदर। और उसके बाद जो है आप नीचे स्क्रोल करते हुए आ जाइए इंक्रिप्शन एंड क्रेडेंशियल्स के अंदर। और इसके बाद जो है पहला जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो होगा आपका इंक्रिप्ट करने का। तो वहाँ से आप अपने मोबाइल को इंक्रिप्ट
कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का याद रखना बहुत ही जरूरी है कि आपका फ़ोन जो है एटलीस्ट 80% चार्ज होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाने के बाद ही इनक्रिप्ट करें, और उसके बाद जो है आप जब भी फ़ोन को इनक्रिप्ट में लगा देंगे तो उस समय जो है आपका फ़ोन टोटली आइडल हो जाएगा, मतलब आप अपने फ़ोन को किसी तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो होता है एक्चुअली में बूट स्टार्ट होने के बाद, और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका फ़ोन जब इनक्रिप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप उसे बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। तो ये जो है करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है मैक्सिमम आपके फ़ोन को इनक्रिप्ट करने में, और उसके बाद जो है आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, और उसी की मदद से आप अपने डेटा को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने डिवाइस का सेकेंड सिक्योरिटी लेवल, जो कि काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी लेवल माना जाता है, तो इस तरीके से आप अपने डिवाइस को इनक्रिप्ट करके उसे और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। और इनक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद जब भी आपका डिवाइस अगली बार बूट होगा तो वहाँ पे आपने जो भी पिन या फिर जो भी आपने पैटर्न सेट किया है इनक्रिप्शन को ऑन करने के पहले, तो वहाँ पे जो है आपको वही पैटर्न डालना होगा, तभी आपका मोबाइल वहाँ पे डिक्रिप्ट हो पाएगा और आप जो है उसे फर्दर यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सेकेंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी माना जाता है जब आपका फ़ोन जो है इस तरीके से इनक्रिप्ट हो जाता है और उसका जो दूसरा कोई व्यक्ति अनटिलनेस आपने उसे पैटर्न या फिर पासवर्ड अपना बताया होगा मोबाइल डिवाइस का, तब तक वो उसे जो है एक्सेस नहीं कर पाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपका इसमें जो भी डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। और इसमें सबसे एडवांटेजियस चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आपका डिवाइस चोरी हो जाता है और कोई और व्यक्ति जो है अगर आपके मोबाइल को रिबूट करके यहाँ पे कई बार रॉन्ग पासवर्ड डाल देता है, या फिर अगर आपका फ़ोन जो है उसका स्क्रीन लॉक है और उसके बाद जो है कई बार रॉन्ग कोड डाल दिया जाता है या पासवर्ड वगैरह डाल दिया जाता है, वहाँ पे आपका फ़ोन टोटली रीसेट हो जाएगा, मतलब आपके मोबाइल के अंदर में जो भी डेटा रहा होगा वो बिना बैकअप के आपका टोटली फ्लैश आउट हो जाएगा, मतलब कि टोटली चला ही जाएगा, तो वहाँ पे आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप इनक्रिप्शन करने जाएंगे तो उससे पहले अपने डिवाइस के अंदर का जो भी डेटा है आप उसका एटलीस्ट एक बार बैकअप ले लें, ताकि आप उसे जो है बाद में रिस्टोर कर पाएँ जब आपके मोबाइल का इनक्रिप्शन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इनक्रिप्शन करने के बाद में, और वो ये है तो आपके फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डिग्रेड हो जाएगा, मतलब कि आपका फ़ोन जो है कभी कभी हैंग कर सकता है या फिर थोड़ा स्लो हो जाएगा कभी कभी। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा फ़ोन को इनक्रिप्ट करने से पहले, कि आपका जो डेटा है अगर कई बार पासवर्ड गलत हुआ जब भी आपका फ़ोन रिबूट होता है तो वहाँ पे जो है आपका मेमोरी या फिर कहा जाए तो उसके अंदर का जो डेटा था वो टोटली फ्लैश आउट हो जाएगा, मतलब कि टोटली चला जाएगा, गॉन केस हो जाएगा उसका, मतलब आपको वापस से वो डेटा नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आपने उसका बैकअप लिया हो। दूसरा पॉइंट है कि आपका जो फ़ोन का परफॉर्मेंस है वो एकदम मतलब हल्का सा डिग्रेड हो सकता है। और तीसरा चीज़ ये है कि ये जो है वन वे कम्युनिकेशन की तरह काम करता है, मतलब कि अगर आपने एक बार अपने फ़ोन को इनक्रिप्ट कर लिया तो आप उसे चाहकर भी डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप अपने फ़ोन को टोटली रीसेट करते हैं, मतलब कि फैक्ट्री रीसेट अगर जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका फ़ोन जो है वो यहाँ पे इनक्रिप्टेड रहेगा, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। और आपने फ़ोन को जो है हमेशा इनक्रिप्ट करके रखना चाहिए, ताकि अगर कोई दूसरा एक्सेस पाना चाहे और आपके मोबाइल को रिबूट करके भी या फिर अगर रीसेट कर लेता है तो आपको पता है कि हार्ड रीसेट में या फिर फैक्ट्री रीसेट में सभी डेटा जो है ऑटोमेटिक चला ही जाता है, तो वहाँ पे दूसरे पर्सन को जो है वो डेटा आपका जो भी प्राइवेट डेटा होगा वो वहाँ पे उसको नहीं मिलने वाला है। और अब यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी का थर्ड लेवल, जो कि होगा आपके सिम से ही रिलेटेड, और सिम जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं। और आजकल के स्मार्टफोन्स हो गए या फिर आपके फीचर फोन्स वगैरह जो हो गए उनके अंदर में ये ऑप्शन रहता है कि आपको अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो आप जो है सिम कार्ड तो यूज़ करोगे ही, है ना। तो सिम कार्ड को अगर आप यूज़ कर रहे हैं और गलती से अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है और साथ साथ अगर आपका पासकोड या फिर पासवर्ड जो है उस पर्सन को पता है जिसने चोरी किया है, तो वहाँ पे आपका जो नंबर है वो खतरे में आ जाता है। तो यहाँ पे आप अपने सिम को भी लॉक लगा कर रखें, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके सिम का जो डेटा है या फिर कहा जाए तो आपका जो सिम होता है वो टोटली इनक्रिप्ट हो जाता है, और उसमें जो है आपका एक पासकोड कहा जाए तो एक पासवर्ड लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि जब भी आप अपने फ़ोन को दोबारा कभी और रिबूट करते हैं या फिर अगर आपका मोबाइल कभी चोरी हो जाता है और कोई और बंदा उसे रिबूट करता है तो उस बंदे को सबसे पहले सिम का जो कोड होता है वो डालना पड़ेगा, और गलती से अगर वो कोड 3 बार गलत हो जाता है तो आपका जो सिम है वहाँ पे परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा या फिर कहा जाए तो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है और थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है आपके, क्योंकि अगर आप अपने सिम का ब्लॉक कोड नहीं जानते हैं या फिर गलती से भूल गए हैं काफ़ी दोनों का उसे यूज़ करते हुए, और गलती से अगर आपने 3 बार अपने फ़ोन या फिर कहा जाए तो सिम का गलत कोड डाल दिया
तो वहाँ पे आपका सिम जो है ब्लॉक हो जाएगा, और वो ब्लॉक जो है आप तभी खोल पाएंगे जब आपके पास होगा PUK। और दोस्तों PUK मतलब होता है पर्सनल अनलॉकिंग की। तो जब तक ये आपके सिम का PUK आपके पास में नहीं हो, तब तक आप अपने फ़ोन को वापस से री एनेबल या फिर कहा जाए तो अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है कि आप अपने सिम को भी लॉक कर सकते हैं, उसका जो डेटा है उसे भी आप काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकते हैं और अपने सिम को भी मिसयूज से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो आप अपने सिम का जो है PUK कोड ले लें अपने कस्टमर केयर, जहाँ पे आपको कस्टमर केयर को कॉल करके उनसे पूछना होगा PUK कोड, और वहाँ पे जो है आपको देना पड़ सकता है अपना डिटेल, जो आपने सिम लिया था उस समय आपने क्या डिटेल्स फीड किए थे, वो सभी चीज़ें जो वहाँ पे एक बार वेरिफिकेशन के बाद आपको PUK कोड मिल जाएगा। और इवन अगर आप यूज़ करते हैं आइडिया का सिम तो आपको माई आइडिया एप्लीकेशन के अंदर में आपको PUK कोड मिल जाएगा। माई जियो एप्लीकेशन में PUK कोड का ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, तो आपको वहाँ पे कस्टमर केयर को कॉल करना होगा, उसके बाद ही आपके जियो सिम का PUK कोड वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और PUK कोड को जो है आप कहीं पे सिक्योरली कागज़ से कहीं कागज़ पे या फिर कहीं और पे लिख ले जाएं, ताकि आपके डिवाइस में ना रहे और आप जो है उसे बाद में बड़ी आसानी से देख पाएं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सिम को भी लॉक कर लें ताकि उसका मिसयूज बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों ये था थर्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जहाँ पे आपके मोबाइल फोन का सिम भी काफी हद तक सिक्योर हो जाता है और ये जो है काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद भी है। दोस्तों ये थे तीन मेजर फैक्टर्स या फिर कहा जाए तो तीन लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो आपको अपने एंड्रॉइड डिवाइस में जरूर रखना चाहिए, ताकि आपके फोन और आपके सिम कार्ड का मिसयूज कभी ना हो। और यहाँ पे आपको एक दो बोनस टिप और बताना चाहूँगा जहाँ पे आप अपने फ़ोन को सिक्योर कर सकते हैं, और उसमें से जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए फाइंड माई डिवाइस, एक एप्लीकेशन है जहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे, और आपने जो भी ईमेल एड्रेस से यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी अकाउंट बनाया होगा जीमेल वगैरह का, तो आप उस ईमेल आईडी के थ्रू जो है अपने डिवाइस को ट्रैक कर पाएंगे कभी भी। तो वहाँ पे मैं आपको सजेशन देता हूँ कि जब भी आप अपने फ़ोन को लेकर बाहर निकलते हैं कभी भी आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, तो वहाँ पे आप अपने फ़ोन का जो सर्विस लोकेशन है वो ऑन करके रखिए, उसके अलावा इंटरनेट ऑन करके रखिए, क्योंकि अब तो जियो फ्री ही हो गया ऑलमोस्ट, अब आपको एक दिन का 1 GB 1.5 GB 2 GB मिल रहा है। तो वहाँ पे आप अगर यूज़ करते रहें, मतलब वहाँ पे अगर आप इंटरनेट को ऑन करके रख देते हैं और इवन सर्विस लोकेशन को ऑन करके रख देते हैं, तो वहाँ पे आप अपने डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका डिवाइस एग्जैक्टली कहाँ पे है, कब है, और लास्ट लोकेशन जो है उसकी कहाँ पे थी, ये सभी चीज़ जो है आप इसमें कवर कर पाएंगे। तो इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा कि आप उसे जो है किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज हम इसके बारे में नहीं बताते हैं, हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे कि आप जो अपने मोबाइल डिवाइस को किस तरीके से यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपने डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला टिप है वो ये है कि अगर आप यूज़ करते हैं गूगल के एप्लीकेशंस, मतलब एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस जो कि होते हैं आपको प्ले स्टोर के अंदर, तो वहाँ पे आप यूज़ करिए प्ले प्रोटेक्ट का, जो कि नया फीचर लाया गया है और ये जो है आपको रिसेंटली रिलीज़ किया गया है जितने भी एंड्रॉयड के डिवाइसेस हैं उनके लिए गूगल की तरफ से, ताकि कोई भी मॉलवेयर या फिर कोई भी मलिशियस एप्लीकेशन जो है आपके डिवाइसेस पे इंस्टॉल ना हो गूगल प्ले स्टोर के थ्रू, और अगर होते भी हैं तो उनको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से स्कैन किया जाता है, हर सेकेंड बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है स्कैन किए जाते हैं डेली बेसिस पे। तो इस तरीके से गूगल की तरफ से बहुत ही बड़ा कदम है ये, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी दी जा रही है आपके एप्लीकेशंस के लिए। उसके अलावा आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने डिवाइसेस को जो कितना ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मोबाइल की सिक्योरिटी को लेकर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए और भी इस तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं इस तरीके से आपके लिए और भी टेक्निकल वीडियोस और एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियोस जो है लेकर आता रहूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि उनका जो एंड्रॉइड डिवाइस है मोबाइल फ़ोन जनरली वो अभी सिक्योर नहीं है, तो आप उसे जो है किस तरीके से और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।